ऋषभ पंत का हालिया प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जिस वजह से उन्हें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से भी बाहर कर दिया गया था। वो दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रिद्धिमान साहा के चोटिल होने के बाद टीम में आए थे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने शतक भी लगाए और साहा की कमी नहीं खलने दी, लेकिन वनडे और टी20 मैचों में हालिया प्रदर्शन के बाद उन्हें टेस्ट की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। टीम इंडिया के विशाखापत्तनम टेस्ट के बाद रोहित शर्मा से जब पत्रकारों ने ऋषभ पंत के टीम में आने को लेकर सवाल किए, तो इस पर रोहित ने इशारा किया कि हाल फिलहाल तो पंत को टीम इंडिया में शायद ही मौका मिले। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनके पास इस मामले में बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने साहा की कीपिंग की भी तारीफ की और कहा कि भारतीय पिचों पर उनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है। हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने कहा कि साहा टीम के अहम सदस्य हैं और इसी वजह से उनकी वापसी हुई है। हमने साहा को साल दर साल कीपर के रूप में सुधार करते हुए देखा है, वो हर दिन बेहतर हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण चोट की वजह से वो टीम से बाहर हुआ था। हालांकि पंत भी ऐसा खिलाड़ी है जिसे हर टीम लेना चाहेगी। क्या गलत है और क्या सही, किसे खेलना चाहिए और किसे नहीं, इस पर मैं बात नहीं कर सकता। रोहित शर्मा के इस बयान से तो यही लगता है कि वो ऋषभ पंत पर कुछ बात ही नहीं करना चाहते। तो क्या रोहित शर्मा के इस बयान के बाद ऋषभ पंत टीम इंडिया में वापस आ पाएंगे? क्या ऋषभ पंत के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं? आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।